इस क्वेश्चन बोला कि इसमें कौन सा सो नहीं करता है तो सिंपली तो क्या करना होता है आप कर तो सिस्टम क्या होता है पारामेटिक और अगर इवेंट नंबर आएगा तो क्या होता है डायमेटिक ठीक है इवेंट में क्या होता है दस और सोलह दो एक्सेप्शन होता है तो दस और सोलह का नंबर रहेगा तो होता है पारा तो सिंपली क्या करते हैं हम टोटल काउंट कर लेते हैं तो एन टू प्लस थर्टीन यानी ये पारामेटिक होगा ओ टू बाई सेवेंटीन मतलब ये पारामेटिक होगा एन ओ फिफ्टीन मतलब ये पारामेटिक होगा सी ओ में ध्यान देना ना सी ओ क्या है फोर्टीन है यानी इवन नंबर है दस सौ सोलह से बिलोंग नहीं करता तो क्या होगा ये होगा डायमेटिक यानी अल्टीमेटली आपका जो सी ओ है वो पारा को शो नहीं करेगा ठीक है तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो सिंपली क्या करेंगे आप आप मॉलिक्यूल लेंगे उसका जेड एवरेज पता करेंगे जैसे मान लेते हैं सी ओ हम चूज़ करें तो सी ओ का जेड एवरेज क्या होगा तो सी का सिक्स ओ का एट बाई टू कर लो तो क्या होगा यह आएगा सात चूँकि चूँकि जेड एवरेज का वैल्यू सात से आठ से कम आ रहा है तो उस केस में क्या करना आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करोगे तो यहाँ पे CO में कितना होता है? 14, और फिल अप करो तो अब ध्यान इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखेगा इसका मतलब सी क्या है सी होगा डायमेटिक तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल आपका पारामेटिक है कि डायमेटिक है तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल के टोटल ट्रोन का नंबर अगर ऑड आएगा तो सिस्टम क्या होगा पारामैटिक होगा और जब भी आपके मॉलिक्यूल का टोटल ट्रोन का नंबर इवन आएगा तो उसके साथ मॉलिक्यूल क्या होता है डायमेटिक होता है इसमें दो एक्सेप्शंस हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूल का टोटल ट्रोन टेन एंड सिक्सटीन इवेंट नंबर पर दो एक्सेप्शन क्या आपके पास है टोटल का नंबर टेन या फिर सिक्सटीन हो यानी दस और सोलह हो उस केस में आपको मॉलिक्यूल होता है पारा मैग्नेटिक तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंपली आपको क्या करना है आपको टोटल टॉन काउंट कर लो अगर टोटल ट्रोन का नंबर अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें सिंपली आप बोल देना कि मॉलिक्यूल में अनपेल्टरों का नंबर वन होगा ठीक है और अगर आपका टोटल ट्रॉन का नंबर अगर इवेन आता है तो उसके इसमें सिंपली बोल देना है कि इसमें अनपेल्टों का नंबर क्या होगा जीरो होगा ठीक है इवन नंबर में दो एक्सेप्शन आएगा आपके पास क्या आएगा कि जब भी टोटल ट्रोन का नंबर आपके पास टेन या फिर सिक्सटीन आए ठीक है दस या फिर सोलह है तो उसमें क्या करना है आपको बोलना है कि इसमें अनपेल्ट्रॉन का नंबर होगा टू तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में